सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रडार के बारे में। कुछ रियल लाइफ आपको रडार के टावर में दिखा रही हूँ। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रडार हमने किया था प्लस वन फिजिक्स के अंदर सोनार और रडार, तो ये रडार का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे हैं। ऐसे जो रडार के टावर्स होते हैं ना, वो लगाए जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, जब प्लेन की लैंडिंग करवानी होती है या दूसरे देश का जो प्लेन होता है उसको डिटेक्ट करना होता है, तो ऐसे जो टावर्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो टावर का ये होता है जो आपको सामने फिगर के अंदर दिख रहा है। ऐसे जो ऊपर एंटीना है वो घूमते रहते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रेडियो वेव्स एमिट करती रहती हैं। और ये हमारा होता है डिटेक्टर। इसके अंदर क्या करता है, ये लगातार जैसे जैसे हमारी एंटीना घूम रही है वैसे वैसे ये क्या करेगा, जैसे ही प्लेन कोई आएगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद में उसकी लैंडिंग भी करवाई जा सकती है, अगर अपना प्लेन है या दूसरा किसी का प्लेन है दूसरे कंट्री का, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है। इसमें आप देखिए, जो एक एंटीना है वो रेडियो वेव्स को लगातार एमिट कर रही है ग्रीन कलर्स की, और उधर से एक प्लेन आ रहा है, और प्लेन देखो ये इसके अंदर जैसे ही आएगा तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। अब ये देखो प्लेन रेडियो वेव्स को क्रॉस करके गया, जैसे ये इसको क्रॉस करेगा ना, जैसे ये इसकी रेंज के अंदर आएगा तो वैसे ही क्या करेगा, जो डिटेक्टर होता है रडार का वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए डिटेक्टर के अंदर यहाँ पे जो है वो रेड कलर से आपको कुछ प्लेन्स दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे, ऐसे क्या है वो डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ पे और कैसे जो प्लेन्स हमारे हैं वो हैं। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा टावर होता है यानी कि जो एंटीना होती है उसमें से रेडियो वेव्स हैं वो निकलती हुई जाती हैं, लगातार एमिट होती रहती हैं और प्लेन की तरफ जाती है। जैसे ही कोई प्लेन जो है वो इसके रास्ते में आता है यानी कि रेडियो वेव्स के रास्ते में आएगा, तो आपको पता है कि वेव्स क्या करेंगी। जैसे हमने कंसेप्ट के अंदर किया था, हमारी जो वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखिए रेड कलर से मैंने रेडियो वेव्स को शो किया और एक प्लेन जो है वो इसके आके स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये जो आपको टावर दिखाया हुआ है रडार का जो व्हाइट कलर से जहाँ से रेज निकल रही है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही प्लेन से रेज टकराएंगे तो वापस देखो रिफ्लेक्शन होगी, उल्टी आ रही है वापस, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में ये वापस ट्रैवल करके या प्लेन से। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, अब हमें वेलोसिटी पता होती है रेडियो वेव्स की कितनी होती है और हम इसका टाइम पीरियड है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो हम नोट कर लेते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी ना कि हमारे से कितना दूर जो है वो प्लेन है जिसको हमने डिटेक्ट किया। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर इतनी दूरी से किसी दिखाई नहीं देता कि रनवे कहाँ पे है, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि प्लेन इतनी दूरी के ऊपर है, तो उसको फिर पायलट को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है कि अब आपने जो है वो लैंड करना है। और दूसरा, इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटीज़ के अंदर जो हमारा रडार सिस्टम है वो यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो अदर कंट्रीज़ का जो प्लेन है वो अगर किसी की बॉर्डर के अंदर, किसी की सीमा के अंदर घुसता है तो रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है, और वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस होती है उनको पता लग जाता है कि किसी और कंट्री का प्लेन जो है वो उनके एरिया के अंदर आया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रडार सिस्टम, मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझा। सो इसके बाद में आप वो वीडियो देखना जहाँ पे मैंने आपको रडार का कंसेप्ट कराया, आपको बहुत अच्छे से वो समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जिससे आपको जो आपकी कंसेप्ट है वो समझना इजी हो जाए। सो नेक्स्ट एनिमेशन में हम लेके चलेंगे सोनार मेथड को, तो तब तक के लिए इसको देखिए और समझिए।